नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल में। थंबनेल देखकर यदि ये वीडियो क्लिक किया है दोस्तों तो सही जगह पर आए हैं। पूरा वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबा दें जिससे हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों चलिए समय न बिताते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारे पास जेरोक्स कंपनी का फोटोकॉपियर मशीन वर्सालिंक C7020। आज इसमें बताएंगे आईडी कॉपी किस तरीके से किया जाता है और लीगल पेपर किस तरीके से सेट किया जाता है। प्रॉपर सेटिंग आज हम बताएंगे, क्योंकि इसमें पेपर जाम बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आप आईडी को पहले तो आईडी को सही तरीके से यहाँ में रख लेंगे। देखिए ये जो हम तीर वो दिखा रहा है, इसके बीच में ही रखना है, किधर भी रखिए, बाहर नहीं रखना है। आईडी कॉपी को क्लिक करेंगे, आपको कलर लेना है प्रिंट या ब्लैक एंड वाइट लेना है, यहाँ से क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे। और जो भी है टेक्स्ट फोटो जो भी है, ये ब्राइटनेस कम करना ज़्यादा करना और स्कैन पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए हमने स्कैन पर क्लिक कर दिया था, एक तरफ का स्कैन हो रहा है दोस्तों। फिर दूसरी बार देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, स्कैन टू बैक ऑफ द आईडी कार्ड। हमें आईडी कार्ड को पलट के रखने के लिए बोल रहा है, तो सेम जगह पे हमने पलटी कर दिया है अपना आईडी कार्ड और स्कैन कर देंगे दोबारा। देखिए हमारा आईडी कार्ड स्कैन हो रहा है, ये देखिए हमारा जेरोक्स कॉपी आ गया है आईडी कार्ड का कलर प्रिंट। ऐसे ही आपको आईडी कार्ड को करना है और कट करते हैं। अभी लीगल पेपर का जो साइज है दोस्तों आज हम बताएंगे आपको, तो कॉपी में चलेंगे, कॉपी वाले सेटिंग में क्लिक करेंगे और हमने ऑलरेडी आईडीएफ में रख दिया है पेपर जिसको जेरोक्स करना है, तो 2x2 साइड को सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए अभी जो सेटिंग हमारा है ऐसे रहेगा आपका। देखिए ये लीगल पेपर ट्रे वन में A4 था और ट्रे टू में A3 पेपर, तो A3 तो हमें करना नहीं है, हमें लीगल पेपर करना है FS पेपर, तो ट्रे टू में हमारे FS पेपर है। तो पहले हम ट्रे को एक बार बाहर निकालेंगे, फिर अंदर बंद करने पे ये साइज पूछेगा, तो A3 जो लिखा हुआ है उसी पे क्लिक करेंगे दोस्तों। और डिफरेंट साइज आपको बहुत सारा साइज यहाँ पे शो हो जाएगा, आपको लीगल साइज का जो 8.5x14 है साइज, ये लीगल का साइज होता है दोस्तों, इस पर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे आप। ये देखिए लीगल पेपर का जो साइज है 8.5x14 वो सेलेक्ट कर लिया है, और देखिए पेपर सप्लाई में आपका वही साइज दिखाई दे रहा है ट्रे टू में। तो यहीं पे सब लोग गलती करते हैं, ये साइज लगाते हैं और स्टार्ट मार देते हैं डुप्लेक्स या सिंप्लेक्स प्रिंट के लिए, और प्रिंट आता है आधा ही निकलता है और रुक जाता है, पेपर जाम हो जाता है, राइट कवर ओपन करके डिस्प्ले में शो करने लगता है पेपर जाम। हर बार ऐसे ही सब लोग गलती करते हैं कि हमने तो सही साइज लगाया है इस मशीन में, पर ये जेरोक्स कंपनी का मशीन है, इसमें साइज नहीं चलता दोस्तों। इसलिए इसको ओपन करेंगे राइट डोर और जो पेपर फंसा हुआ है उसको आगे से खींच के बाहर निकालेंगे। ये हमारा पेपर बाहर आ गया है और दोबारा से इस पेपर को ही ट्रे टू में इधर में रख देंगे। रखने के बाद हम ट्रे बंद कर देंगे और राइट डोर जो हमने खोल के रखा है पेपर निकालने के वक्त उसको भी बंद कर देंगे, ये ऊपर कर देंगे और इसको डोर को बंद कर देंगे। ये देखिए हमने डोर बंद कर दिया, पर जो कमांड दिया था उसको पहले अब डिलीट करेंगे। पहले वाला जो रुक गया था पेपर, तो वो अभी डिलीट कर दिया है। और यहाँ पे देखिए 8.5x14 जो है वो साइज लीगल साइज नहीं है इस मशीन के लिए, ये फंसेगा। तो अभी ट्रे को दोबारा से बंद करेंगे, खोल के जब बंद करेंगे तो साइज पूछेगा और उसी साइज पर क्लिक करना है। 8.5x14 पर क्लिक करके ऊपर चलेंगे, स्क्रॉल करके देखिए कस्टम साइज, इस मशीन में
कस्टम साइज सेट करना पड़ता है, तो कस्टम साइज पे क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पे ऊपर में 215 और लेंथ में आपको 350 करना पड़ेगा। ये साइज सेलेक्ट करके ओके कर देंगे और यहाँ पे देखिए ओके कर देंगे। आपका देखिए यहाँ पे पेपर सप्लाई में आपका वही साइज शो कर रहा है जो हमने कस्टम साइज सेट किया था। अभी डॉक्यूमेंट्स को ADF में रखेंगे और जेरोक्स मार देंगे, स्टार्ट मारेंगे। हमारा देखिए ऊपर स्कैन हो गया है और हमारा ये लीगल पेपर आ रहा है। देखिए हमारा पेपर आ चुका है और हमारा पेपर लीगल पेपर फंसा नहीं इस बार और कंप्लीट हो गया है। देखिए तो इस तरीके से आपको भी कस्टम साइज सेट करना पड़ेगा इस मॉडल और इस सीरीज में। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों, बेल आइकन दबा दें जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए ये साइज है 350x215 ट्रे टू साइज, यही साइज आपको सेट करना है। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।